नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों, हम चैप्टर 11 पे आ चुके हैं जो कि आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो उसकी चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू, इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम के पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम के बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब टाइम बोलता तो मतलब कितना पुराना, ये मान लीजिए करीब करीब ये 2000 से लेकर 1400 के बीच में, आज से 2000 साल पहले और 1400 साल पहले के बीच में हम ये पूरा बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मरुत स्वामी की कहानी से। मरुत स्वामी एक लड़का था जो कि चल नहीं पाता था ठीक से, तो उसका वाइफ उसको उसका भाई उसको व्हील चेयर पर बिठा के कुतुब मीनार के रास्तों से ऊबर खाबड़, वो रास्ते हैं बहुत अजीब रास्ते हैं, थोड़ा कच्चा रास्ता भी है और कुछ मेटल्स के भी रास्ते, उसमें वहाँ से उसको खींच के लेके जा रहा था ऊपर की तरफ। और फिर वहाँ उसको आयरन पिलर दिखा, वो आयरन पिलर दिखाने के लिए लेके जा रहे हो जो कि मेहरौली में है, दिल्ली के मेहरौली में ये आयरन पिलर है। करीब करीब ये 7.2 मीटर बड़ा है और 1500 टन का है। इतना पुराना इसको माना जाता है कि करीब ये 1500 साल पुराना है और इस पर जो नाम लिखा हुआ है उसमें चंद्र नाम लिखा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा जाता है कि शायद ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इसका स्थापना की होगी। चंद्रगुप्त जो गुप्ता एम्पायर का डिनेस्टी ने जिसने न्यू रखी थी, चंद्रगुप्त उन्होंने इसको बनाया होगा। तो ऐसे ही शुरू करते हैं मेटलर्जी के बारे में, क्योंकि हमारे भारत ने मेटलर्जी की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये इसकी शुरुआत हड़प्पा से होती है। हड़प्पा में अगर आपको शुरू याद है, हड़प्पा में कौन से मेटल्स मिले थे और कॉपर टिन से मिला के ब्रॉन्ज बनता, वो ब्रॉन्ज युग माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज मिला था, फिर उसके बाद से जब उसका अगला फेस आया उसको आयरन एज बोला जाता है। आयरन के बहुत बड़े बड़े और ख़ास चीज़ें बनना शुरू हो गए, जैसे हमने प्लव देखा था, कई सारे वेपन्स आए थे, कई सारे टूल्स बनना शुरू हुए थे, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इन सारे आयरन्स का यूज़ होना शुरू हो गया था पूरे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। इसलिए मेटलर्जी का बहुत बड़ा इस मेटलर्जी की दुनिया में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो 7.2 मीटर लॉन्ग आयरन पिलर है जो 1500 साल पहले बना हुआ था, इतना पुराना आयरन पे हल्की सी जंग की दाग भी नहीं लगी है, ये बताते कि कितने स्किल्ड रहे होंगे हमारे जो उस वक्त के मेटलर्जी जो बनाते हैं ये सारी चीज़ें, वो लोग कितने स्किल्ड रहे होंगे। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे बनी हुई ये आयरन पिलर, अब उससे भी थोड़ा सा उसी के आसपास करीब करीब मान लीजिए 2000 साल पहले के आसपास स्तूपा बनना शुरू हो गया था। स्तूपा बनने के लिए जितनी भी सामान चाहिए, तो पहले स्तूपा होता क्या है? स्तूपा बेसिकली एक टीला जैसा होता है, एक टीला जहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म में जो इम्पॉर्टेंट लोग थे, जैसे बुद्ध थे, बुद्ध के कुछ जैसे मान के चलिए उनके बॉडी रिमेन्स, जैसे फॉर एग्जांपल दांत हो गए, कुछ नाखून हो गए, बोन्स हो गए, उनकी मरने के बाद जो उनकी राख होती है राख हो गए, या उनका कोई इस्तेमाल किया हुआ सामान हो गया, या फिर उनके फॉलोअर जो इम्पॉर्टेंट फॉलोअर्स थे जो बुद्धिज़्म में जो इम्पॉर्टेंट लोग थे उनके रिमेन्स हो गए, या फिर कुछ प्रीशियस स्टोन हो गया, कुछ मेटल्स हो गए, तो इन सारे प्रीशियस चीज़ों को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जिसको रेलिक कास्केट बोला जाता है। एक बॉक्स में बंद किया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू होते हैं और मिट्टी डालते डालते एक मिट्टी का टीला बन जाता है। उसके ऊपर टीले के ऊपर काफ़ी सारे ब्रिक्स के इसको ब्रिक्स रख दिया जाता है, तो ये डोम शेप में आ जाता है, प्रॉपर डोम शेप में। अब जब ये डोम शेप में बन गया तो इसकी जो डोम शेप की कार्विंग्स हैं इसको ना एक कर्व्ड एक इसे स्टोन से ढक दिया जाता है, सो दैट इसकी डिज़ाइन एक तरीके से हो जाती है। तो कार्व्ड स्टोन स्लैब्स का यूज़ करते थे, यानी स्टोन स्लैब जिसपे खुदाई की गई हो उसको लगा लगा के ये लोग उस जो टीले को ऐसे डेकोरेट कर देते थे। फिर उसके बाद से उसके साथ साथ में प्रदक्षिणा पाद भी होता था थोड़ा सा पाद, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे वो इस उनके रिमेन्स इस स्तूपा में थे, इसलिए वहाँ पे प्रदक्षिणा पाद होता था, प्रदक्षिणा पाद को लाया गया था। और प्रदक्षिणा पाद के बाहर बड़े बड़े स्टोन्स रखे गए थे एज अ डेकोरेशन फॉर्म में, एक तरीके से रेलिंग बनाई गई थी। सो स्तूपा, फिर उसके बाहर प्रदक्षिणा पाद, फिर रेलिंग, और नॉर्मली जो डिवोटीज होते थे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे और वो पूजा करते थे, प्रे करते थे, क्योंकि वो एक रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट साइट होती थी। हाँ, बट लोनावला वो स्तूपा नहीं है, उसके ऊपर हम आएंगे वो क्या है। सो जो सांची का स्तूपा इसमें दिखाया गया है पेज नंबर 115 में, वहाँ पे और ऐसे कई सारे स्तूपा जिसकी
ऐसा बोला जाता है कि जो स्तूपा में बनने वाले सामान है करीब 2000 साल पहले बनना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद से अब जैसे आपने बताया कार्ले केव्स, ये आर्टिफिशियल केव्स बनाए गए थे, बेसिकली हिल्स को खोद खोद के उसमें अंदर जो केव्स बनाए गए थे एज अ मोनास्ट्री के रूप में यूज़ किया गया, जहाँ पे बुद्धिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे वहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे मेडिटेशन पूजा होती थी, वहाँ पे कल्चर फॉलो किए जाते थे, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छे इंस्क्रिप्शन डिज़ाइन बनाया। वो इंस्क्रिप्शन डिज़ाइन कई बार उस वक्त की कल्चर, उस वक्त के लोग क्या करते थे वो रिफ्लेक्ट करता है। कई बार वहाँ पे जो कुछ टेल्स होते थे, कुछ सीख दी जाती थी एज अ फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन दी जाती थी, क्योंकि उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता था। तो ऐसे ही एक इंस्क्रिप्शन जो दी गई है हम आपके पेज नंबर 115 में, ये बेसिकली ये जो मिला है अमरावती की जगह से, अमरावती आप पेज नंबर 105 पे जाइए, वहाँ पे अमरावती देखिए कहाँ है। और वो अमरावती से वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा एक स्तूपा होता था पहले, जो कि अभी इस वक्त नहीं है। तो उस स्तूपा में ऐसे कई सारे जो डिज़ाइन स्टोन्स मिले, जो कि कार्व्ड स्टोन्स मिले, उस पर एक एक सिंबल है। उस सिंबल में ऐसा माना गया कि जो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो प्रे कर रहे हैं, बट उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे लोग उनको तंग कर रहे हैं, उनको प्रेइंग नहीं कर रहे हैं। और नॉर्मली लोग भी आपस में काफ़ी कुछ बनती नहीं है, मिलते नहीं हैं, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वो ये लोग जो हैं वो शांति फैलाने के रास्ते से आ रहे हैं उस क्षण। तो एक तरीके से एक सिंबल होता था जो कि स्टोरीज को डिपिक्ट करता था। अब हम बात करेंगे हिंदू मंदिरों के। जैसे आपने डेकोरेटेड केव्स को देखा, वहाँ पे डेकोरेटेड केव्स बेसिकली एक बड़ा सा हिल होता था जिसको काट के केव्स बनाए जाते थे, और उस केव्स में काफ़ी खूबसूरत इंस्क्रिप्शन होते थे, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स होती थी। वैसे हिंदू केव्स भी, सॉरी हिंदू टेम्पल्स भी बनाना उस वक्त शुरू हो गया था। उस वक्त नॉर्मली जो आप देखेंगे इस साइड पे जो पल्लवास और चालुक्यास थे, चालुक्यास किस साइड थे शेरू? जो चालुक्यास थे वो बेसिकली अहियोले, ये चालुक्यास हो गया वेस्टर्न साइड, और जो पल्लवास थे ये महाबलीपुरम साइड में, ये हो गया ईस्टर्न साइड पे। तो अगर मान के चलिए इंडिया को ऐसा लाइन एक लाइन बनाएंगे तो उसके वेस्टर्न साइड पे आपका पड़ेगा ये अहियोले जो कि आपके वेस्टर्न साइड हो गया, और ईस्टर्न साइड हो गया आपका महाबलीपुरम। तो इन दोनों जगहों पे जो पल्लवा किंग्स ने काफ़ी खूबसूरत टेंपल्स बनाया। उसके बाद के माना जा रहा था कि जो मेजर टेंपल्स की कार्विंग्स होती थी, मेजर टेंपल्स के स्टोन फॉर्मेशन होता, वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली, इस पर काफ़ी पैसा लगाया गया था। और ये दो राज्य जो थे, ये जो डिनास्टी थी, इन्होंने जो भक्ति सिस्टम में जो भगवान का जो प्रदर्शन है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सामने लाया, खूबसूरत मंदिरों बना के सामने लाया इन्होंने। इनके सामने करीब करीब जैसे एक दौर विष्णु भगवान के, दुर्गा के, विष्णु दुर्गा शिव, इन लोग इन भगवानों के मंदिर बनते थे, इनकी वर्शिपिंग के लिए मंदिर बनाए जाते थे। और इस मंदिर में अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह क्या है, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट जिस भगवान की मंदिर थी वो इम्पॉर्टेंट जगह वहाँ पे वो लोग को रखा जाता था। मेजर जो पुजारी उजारी होते हैं, जो पूजा वूजा करते हैं, वो उधर ही जाके गर्भगृह को पूजा करते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट साइट होता है। फिर वैसे एक मंडप रखा जाता है, मंडप मतलब जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर मेडिटेशन कर सके, भजन कीर्तन जो भी उनको करना है एक जगह पे रह के कर सके, तो वैसे मंडप होते थे, गर्भगृह होता था। फिर उसके बाद से ऊंचा ऊपर करके एक शिखर होता था जिसपे फ्लैग लगाया जाता था, जो शिखर डिनोट करता था कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो ऐसे शिखर पे नॉर्मली शिखर पे झंडे लगते थे, तो वो बताता है कि वो कितने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और पॉइंट्स है उस मंदिर के। फिर उसके बाद से जैसे हमने बताया महाबलीपुरम में पल्लवा ने एक, यहाँ पे पेज नंबर 116 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत एक टेंपल बनाया गया है। ये महाबलीपुरम में माना जाता है कि शिव भगवान का ये मंदिर था। ये एक स्टोन से बनाया गया, मतलब कई सारे स्टोन्स लाए गए उसको खोद खोद के बनाया गया। तो नॉर्मली जब आप बिल्डिंग बनाते तो नींव जब रखना शुरू करते हो, ब्रिक्स को ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं आप, एक नीचे से बनाते 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 ऊपर जाते हैं, बट जो कार्विंग्स होती है जैसे ये स्टोन की कार्विंग से एक जो मूर्तियाँ जो बनाए, सॉरी ये जो मंदिर बनाई जाती थी, इसको ऊपर से नीचे आते हैं। और इसके लिए काफ़ी डिटेल प्लानिंग होती थी, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट होते थे, कई हज़ारों लोग, कई सैकड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे इस प्रोसेस के ऑफ मेकिंग में। तो वैसे ही दूसरा अहियोले में देखेंगे तो दुर्गा मंदिर है यहाँ पे, करीब करीब ये भी 1400 साल में, ये चालुक्यास और पल्लवास इन्हीं के टाइम पे, इन्हीं के डायनास्टी के थिंग्स ने ये सारे मंदिर बनाई हैं, और इनके मंदिर में भी इसको भी वैसे ही उसी तरीके से बनाया गया है।
क्या किया जाता था, बड़े बड़े पिलर लाए जाते थे, बड़े बड़े स्टोन लाया जाता था जिसको एज अ पिलर यूज़ किया जाता था। एक मंदिर को जो एक स्टोन को, बड़ा सा स्टोन को पकड़ते थे, उसको काट के एक मंदिर का शेप देते थे, फिर छोटे छोटे स्टोन को जोड़ते थे वहाँ पे, और वो एज अ पिलर यूज़ होता था। और जो जो पिलर था वो काफ़ी, वैसे तो स्टोन के फॉर्म में अनऑर्गेनाइज होता था, बट उसको काट काट के एक काफ़ी खूबसूरत, उसके ऊपर कई सारे इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे। तो जैसा आप समझ गए होंगे कि ये बहुत महंगा था, ये प्रोसेस बहुत महंगा था, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते, काफ़ी पैसा लगना होता है। तो शुरुआत इसकी हमेशा राजा महाराजाओं से ही हुई थी, राजा राज रानियों से इन्होंने शुरुआत की थी मंदिर बनवाने के लिए। बट इसके साथ साथ सिर्फ वो ही नहीं थे, कई लोग जुड़ गए थे। कई लोग में से कौन कौन, सबसे पहले वहाँ पे जो मर्चेंट्स थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, पुजारी थे। अब जैसे पहले राजा महाराजा शुरू करते थे, यहाँ से बड़े बड़े ब्रिक्स लेके आते थे, सॉरी इसको स्टोन्स लेके आते थे, स्टोन्स वहाँ पे लगते थे, कटते थे, उसको शेप किया जाता था, उसके लिए फंड करने के लिए राजघराने के जो ट्रेजर होता था, ट्रेजरी में से पैसा जाता था और उसको फंड किया जाता था। फिर उसके बाद से फंड इधर से ही नहीं, कई बार जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते थे, मर्चेंट्स इन्वॉल्व होते थे, कई लोग जो डिवोटीज होते थे, पूजा करने के लिए आते हैं और उसके बाद से वहाँ पे गिफ्ट छोड़ के जाते हैं। और गिफ्ट के फॉर्म में जैसे एक स्तूपा पे आपको बताया गया कि यहाँ पे जो आइवरी का यूज़ किया गया, वो बेसिकली एक आइवरी एसोसिएशन का जो एक मेंबर है उसने दिया था, जहाँ से आइवरी के लिए ये ब्यूटीफुल एक आइवरी इंस्क्रिप्शन उस स्तूपा पे लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जो लोग होते थे उनके नाम भी लिखे होते थे कि किसने दिया है, कई बार फार्मर्स, कई बार गार्लैंड मेकर्स, ये लोग इन्वॉल्व होते थे, कई बार मर्चेंट्स कहते हैं, परफ्यूम का स्मिथ जो परफ्यूम्स बनाते थे वो लोग, सैकड़ों लोग। और जो लोग नॉर्मली यहाँ पे आते थे पूजा वूजा करने के लिए, डिवोटीज़, वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। शेरू आप भी पूजा करते हो? अच्छा, तो जब आप मंदिर जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो पुजारियों के लिए या भगवान के लिए, तो वहाँ पे दान दिया जाता है। वैसे वो भी एक सोर्स था जहाँ से, और ये जो मंदिर बने थे ये ऐसा नहीं कि एक टाइम पे बन गया था, कई साल लगे हैं, कई साल सैकड़ों लोग लगे इसमें इन्वॉल्व हुए। तो जो आसपास के, इसमें बताया गया कि जो एक पेज नंबर 88 पे, पेज नंबर 8 में एक स्तूपा का दिखाया हुआ मंदिर, स्तूपा दिखाया हुआ और एक मंदिर भी दिखाया हुआ है। तो इसमें समझ सकते हैं कि कितनी प्लानिंग लगी हुई, कितनी एफिशिएंसी होगी, और लोगों का सोच उस कल्चर को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स कितने सारे इसमें लगे थे। सिमिलरली आप अगर देखेंगे पेंटिंग्स का बहुत यूज़ होता है। अजंता केव्स में जाइए, अजंता केव्स पेज नंबर 105 पे है। तो वहाँ पे पहले तो अजंता एक जगह है, वहाँ पे केव्स है, और उस केव्स में अगेन जैसे सारे केव्स नाम से पता चलता है कि हिल को खोद के बनाया गया केव्स है, बट अंदर ना काफ़ी अंधेरा होता है उसमें। मतलब ऐसे नहीं कि आपको अंदर की चीज़ें, लाइट उसमें नहीं जाती हैं, तो नॉर्मली लोग टॉर्चेस का यूज़ करके पेंटिंग्स बनाए, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स ऊपर के साइड बना हुआ है, इसमें पेज नंबर 118 में ऐसे खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाए गए हैं। तो इमेजिन करिए, और जो कलर थे वो कहीं ना कहीं प्लांट से निकाले गए थे। तो ये जो कलर्स थे ये आज तक टिके हुए हैं, आज तक इस प्रेजेंट हैं, और वो खूबसूरती नज़ारे अभी भी हमें दिखते हैं। इमेजिन करिए हमारा इतिहास कितना समृद्ध था अपने आप में। हम अब अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में, जहाँ पे हम बुक्स के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे हम अपने साइंस रिसर्चर्स के ऊपर बात करेंगे, इस वीडियो को ये विराम देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है किसी चीज़ पे, आप चाहते हैं कि हम फोकस करें, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, हम उसके ऊपर ज़रूर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे, या फिर एक नई वीडियो भी बना सकते हैं उसके ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।